हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसाफ्ट। अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि आमिर भाई, आईफोन बाईपास और आईफोन परमानेंट में क्या अंतर है और क्या ही इसका सॉल्यूशन है और कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर पूरी चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कौन कौन से मॉडल होते हैं, किससे करवाना है और किससे नहीं करवाना, कौन से मॉडल बाईपास करवाना है, कौन से परमानेंट करवाना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है आईफोन बाईपास वर्सेस परमानेंट। ठीक है, 5S, 6, 6 प्लस, ये तीन मॉडल हैं जिसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 12.5.5 है। इसके बाद इसके अंदर अपडेट नहीं आएगा, नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद कोई अपडेट नहीं आता। तो भाई साहब, इजी होगा अगर आपके पास इन तीनों मॉडल हैं तो इनको आपका क्या करवाओ, बाईपास। अब अभी मैं बताऊँ आपको कि बाईपास में और परमानेंट में सोल्यूशन वो क्या है, फ़र्क क्या है। ठीक है, अब इसके बाद जो सीधा सीधी आती है वो आती है 6। ठीक है, 6S, 6S प्लस। ठीक है, 7। अब 7 के बाद क्या आएगी, 7 के बाद आएगी आपकी 7 प्लस, सॉरी अब 8, 8 प्लस, अब 10। ठीक है, ये हो गए कितने मॉडल आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इनको चार ही मॉडल समझ लो। ये तो आप समझदार हैं, इतना इशारा काफ़ी है। ठीक है, अब देखो पूरी वीडियो देखना, समझ जाओगे एक बार में बाईपास और परमानेंट कहते कैसे हैं और हमेशा क्या करवाना है आपको। ठीक है, आईफोन की जो सीरीज चालू होती है वो 5S से चालू होती है, क्योंकि 4 और 3 वाले तो अब गेम ओवर हो चुका है आईफोन का, क्योंकि वो लाखों में एक सेट है और उनको आते भी नहीं है। ठीक है, कभी कभी आते हैं तो उनको कराना बेवकूफ़ी होती है, कस्टमर नहीं करवाता है। ठीक है, ना ही वो होते हैं। 5S, 6, 6 प्लस, 12.5 लेटेस्ट वर्जन है, इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन जो 6S है, 6S प्लस है, इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है वो 15.6 आ चुका है। मतलब कि उसको अगर आप फ्लैश करोगे, अपडेट करोगे तो वो 15.6 होगा। तो जाहिर सी बात है जब ये आ गया तो इनमें भी आना चाहिए। ठीक है, तो 10 तक आ चुका है। आईफोन को जो आई क्लाउड है ना, वो बाईपास भी होता है, परमानेंट भी होता है। अब बाईपास और परमानेंट में क्या फ़र्क है, कौन कौन से मॉडल होते हैं उस पर बता देता हूँ। ये जो मॉडल हैं इनको आप बाईपास भी कर सकते हैं और परमानेंट भी कर सकते हैं। इन जो ये जो मॉडल है ना, ये वाली ये जो सीरीज़ है, इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं और परमानेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सीरीज़ है आईफोन 5S, 6, 6 प्लस की, इसको आप सिर्फ बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, अब बाईपास किसे कहते हैं ये समझ लो आप। देखो बाईपास के अंदर दो ऑप्शन होते हैं। बाईपास में क्या होता है कि जो ऑलरेडी जो आईडी है जो डली हुई है मोबाइल के अंदर, उसको वो टूल बाईपास कर देता है, मतलब कि उसको एक तरीके से हाइड कर देता है और आप अपनी आईडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको हाइड कर देता है। ठीक है, बाईपास में यही होता है कि आप जब बाईपास करवा लेते हैं किसी भी टूल को, किसी भी टूल से या किसी भी मोबाइल को, उसके बाद आप जैसे मोबाइल को हार्ड रीसेट करते हैं तो वो जो हाइड आईडी होती है वो शो कर जाती है, वो आपकी जो आईडी आपने यूज़ करी होती है वो डिलीट हो जाती है। इसलिए ये होता है कि जब आप आईफोन को रीसेट करते हैं, हार्ड रीसेट करते हैं या अपडेट करते हैं। अब अपडेट इन दोनों मॉडल को तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वाला मॉडल है। इनको आप करेंगे तो इसके अंदर बाईपास अगर करा होगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आ ही जाएगी, अगर आप इसको बाईपास करते हो। अब दो ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 15 का भी अपडेट आया, अगर इन मॉडलों के अंदर 14 का अपडेट आया, भाई 10 है, 14 पे चल रहा है या 13 पे चल रहा है या 12 पे चल रहा है, उसमें क्या है, उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाईपास करवाओ या परमानेंट करवाओ। अब बाईपास के लिए 12 पे करवाओगे तो खर्चा कम आएगा, लेकिन अगर 15 पे आ गया और बाईपास करवाओगे तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन बाईपास में और परमानेंट में आप समझ लें कि डबल से ज़्यादा का फ़र्क होता है। अगर आईफोन 10 आपका बाईपास हो रहा है 15.6 5,000 में, तो 10,000 में आपका परमानेंट होगा। तो भाई जाहिर सी बात है कोई इसी इंसान के पास फ़ोन है और उसका फ़ोन में आई क्लाउड लग गया, वो भूल चुका है, उसके बाद दो ऑप्शन है कि भैया या तो मैं लेटेस्ट वर्जन पर उसको फ्लैश करूँ 15.6 पे और 5,000 रुपये देकर उसको बाईपास करवा लूँ। लेकिन बाईपास के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका आईफोन इस सीरीज़ में है और 14 सीरीज़ में है, 14 सीरीज़ में क्या होता है कि आप हार्ड रीसेट करोगे तो एंड्रॉइड जो iOS वर्जन है वो उतने का उतना ही रहेगा, 14 पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, 15 नहीं जाएगा। जैसे आपको 15 जाएगा तो जो टूल है वो अब काम नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं भैया 15 में हमने एक्टिवेशन नहीं करी, हमने जो करी थी एक्टिवेशन वो 14 में करी थी, तो 14 का जो टूल होगा वो 14 में वर्क कर जाएगा। एग्जांपल आपने आई की यूज़ करा, आई रिमूवल यूज़ करा, 14 में ये वाले मॉडल यूज़ करे आपने और उसको हार्ड रीसेट करा, वापस से अगर आई क्लाउड आता है तो वापस से जेल ब्रेक करो और फ्री एक्टिवेशन उस टूल से कर लो, बाईपास हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपने अपडेट कर दिया तो पहुँच गया 15 में, अब 15 में क्या है, आई रिमूवल प्रो चलेगा तो उसकी एक्टिवेशन अलग होगी, क्योंकि टूल की एक्टिवेशन होती है सिम के साथ। अब ये नहीं है कि भाई आप आई की के अंदर एक्टिवेशन करा रहे हो और टूल यूज़ कर रहे हो कोई और सा, समझते हो, आईफोन 12 की एक्टिवेशन करा रहे हो और अनलॉक कर रहे हो आप आईफोन 11, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बाईपास में दो ऑप्शन होते हैं कि नो हार्ड रीसेट, ये रूल होता है बाईपास का, नो हार्ड, अरे यार मेरे बटन कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, चेंज करना पड़ेगा, नो बाईपास।
आप वो नो हार्ड रिसेट नो अपडेट। अब होता क्या है कि अक्सर क्या होता है, ये जो मॉडल आते हैं अगर ये 14 में या 15 में, सेटिंग में जाके आप आपका अपडेट और हार्ड रिसेट का ऑप्शन हाइड भी कर सकते हैं। अगर हाइड नहीं होता तो आप कस्टमर को समझा सकते हैं इजीली कि भाई ये मत करना, अगर ये करोगे तो प्रॉब्लम आएगी हमारे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, अब समझ गए बाईपास कैसे कहते हैं। बाईपास इसे कहते हैं कि बस यही प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी आईडी है ना, आईक्लाउड आईडी जो ऑलरेडी चल रही थी उसको वो हाइड कर देता है। अब जब आप न्यू यूज़ करते हो और फिर उसके बाद आप अपडेट रिसेट करते हो तो वो क्या करता है, वो जो हाइड वाली आईडी होती है वो शो कर देता है और जो आपकी यूज़ वाली होती है उसे गायब कर देता है। ठीक है, इसलिए वो लॉक लग जाता है। परमानेंट में क्या होता है, परमानेंट में ऐसी कोई झंझट नहीं होती, उसके अंदर क्या होता है वो सर्वर से होता है। अब वो कैसे होता है, इसके मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, भाई मैं वो करता नहीं हूँ, आपको कैसे कराना चाहिए आप उन लोगों से कराओ जिनसे आप करवाते थे। अगर आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कोई रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ, ना ही मैं अपने आपको कहूँगा कि आप मेरे पास आओ परमानेंट में। परमानेंट में मसला ये होता है कि जो भी बंदा करवाता है ना वो एडवांस पेमेंट नहीं देगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर कस्टमर आपके पास आता है वो कहता है भाई मेरे पास iPhone 10 है और उसको आपको आईक्लाउड अनलॉक करना है लेकिन परमानेंट नहीं करना है, आपको कहोगे कि भाई 15,000 रुपये खर्च आएगा। अब कस्टमर तो देगा नहीं 15,000 रुपये, कस्टमर कहेगा भाई आप अपनी जेब से लगाओ, क्योंकि जेब से आप लगाओगे लेकिन दिन लगने आपके 15-20 दिन लगते हैं ना आईक्लाउड अनलॉक करने के लिए, परमानेंट के लिए। तो फिर क्या होता है कि आप ना ही आप कराओगे ना ही कस्टमर कराएगा। अगर कस्टमर बाई चांस पैसे दे भी देता है लेकिन आप जिस बंदे से भी आप काम कराओगे तो वो दिन ज़्यादा लेगा, क्योंकि इसके अंदर आईक्लाउड के अंदर खर्चा ज़्यादा आता है परमानेंट में। तो इसलिए होता है कि अगर आपके पास ये वाली सीरीज है तो बाईपास करवाओ, क्यों, क्योंकि उसमें कस्टमर का भी खर्चा ज़्यादा है और आपका भी प्रॉफिट ज़्यादा है, परमानेंट में प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम भाई iPhone 10s हो गया, iPhone 10R हो गया और iPhone SE 2 हो गया, इसके अंदर SE और जोड़ देते हैं। SE जो सीरीज़ है ना वो इसी के अंदर आती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, SE 2 हो गया और 10S 10R SE 2 हो गया, फिर 11 आ गया, फिर 11 की सीरीज आ गई, 11 प्रो प्रो मैक्स, 12 आ गई या फिर 13 आ गई। इनको आप बाईपास नहीं कर सकते, इनको आप सिर्फ और सिर्फ परमानेंट अनलॉक कर सकते हैं। अभी कैसे होंगे इसको समझाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमानेंट को मैंने आपको बता दिया कि मैं अनलॉक नहीं करता हूँ। उसकी वजह यही है सबसे बड़ी कि सामने बैठा है कस्टमर, वो मेरे से कह रहा है कि iPhone 12 अनलॉक कर दो, मैंने उसको बताया 12,000 रुपये, मैंने कहा 12,000 दो, अब वो कह रहा है कि भाई पहले करके दो। तो मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैंने 12,000 रुपये 15 दिन के लिए वेस्ट करूँगा, किसी वेबसाइट में लगाऊंगा प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 500-600 का, इससे अच्छा ये कि मैं अपने उन 12,000 को अपने किसी पैनल में लगा दूँ जिसके प्रॉफिट मेरे को डबल मिल जाए। तो इसलिए मैं परमानेंट करता ही नहीं, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेता। ठीक है, एक दो बार कर रहे थे लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है तो हम हटा देते हैं। ठीक है, समझ गए बाईपास और परमानेंट किसे कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन के अंदर होता है। आपको समझाने के लिए पूरी मैंने वीडियो बना ली थी लेकिन सिस्टम पे रिकॉर्ड नहीं है तो वापस से वो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है इस चीज़ को बताने के लिए कि परमानेंट और बाईपास में क्या होता है। अब आपको क्या करना होता है, अगर आपके पास कस्टमर इस सीरीज़ का आता है, ये वाली सीरीज़ का आता है, तो आप उसको पहले समझाओ कि बाईपास किसे कहते हैं, परमानेंट किसे कहते हैं। आप कस्टमर से हार्ड रिसेट मत करवाओ ना ही अपडेट करवाओ। देखो इस वर्जन को मैंने आपको समझा दिया, अगर 14 में है हार्ड रिसेट करवाओगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, जेल ब्रेक करो बाईपास कर लो। अगर अपडेट कर देता है तो कस्टमर के लिए और आपके लिए भी थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग रेट पहुंच जाते हैं। जैसे कि 6 की सीरीज़ है, ये 2500-2600 में हो रही है 15 वर्जन की, अगर 14 है तो 500 कम कर लो, 2100-2000 में हो रही है। ठीक है, ऐसे ही है, 500 रुपये प्लस समझ लो। लेकिन अगर 14 में है और आपने ऑलरेडी बाईपास कर रखा है तो वो ईजिली हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर 15 में पहुँच गया तो फिर वो टूल चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी एक्टिवेशन अलग से लगेगी, उसका प्रोसेस अलग से। अब बात यह आती है कि आमिर भाई आप परमानेंट करते हो क्यों नहीं, क्योंकि मसला यह है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आमिर भाई किसी बंदे ने हमसे परमानेंट के लिए कहा था और उसने पेमेंट पहले ले ली और उसने ब्लॉक मार दिया। बहुत ज़्यादा गेस आते हैं इस चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा अवेयर रहा करो। अगर आपके पास भी ये वाले मॉडल आएँ, बड़े मॉडल आएँ, उनको आपको परमानेंट अनलॉक कराना हो तो बेहतर होगा 1% आप ये रखो कि भाई मैं नहीं कर सकता, आप किसी और से करा लें, आप उस सेट को आगे बढ़ा दिया करो, आप खुद मत करा करो। क्योंकि अगर आपके पास कोई सोर्स ऐसी है जो कि परमानेंट करती है और ट्रस्टेड है और पेमेंट भी बाद मिलेगी तो आप इजीली उस पर ट्रस्ट करके करवा सकते हैं, वरना तो भाई मेरी राय तो यही है कि परमानेंट के चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि उसमें मैंने अक्सर लोगों को धोखा खाते हुए और फ्रॉड करते हुए देखा है, हमारे साथ भी काफ़ी बार हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बंदा है कि उसने मेरे से तकरीबन 1 महीने से मेरे से बात कर रहा, सिर्फ बात करता था और भाई क्या हाल चाल है, ये वाला नंबर दे दो, ये वाली फाइल दे दो, बहुत सब कुछ ले रहा है 1 महीने तक, खूब सारी चैट होती है। मैं क्या करता हूँ, किसी की भी एक्टिवेशन या किसी का भी आईक्लाउड रिमूव करना या कुछ भी काम करना तो उसकी एक्टिवेशन करता हूँ, क्योंकि सबके नंबर सेव करना पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ मैं चैट चेक करता हूँ, अगर चैट ज़्यादा है तो मेरे को लगता है कि बंदा ट्रस्टेड है, क्योंकि बहुत टाइम से बातें कर रहा है, अमित भाई क्या हो, क्या हाल चाल है, सलाम दो, सब कुछ चल रही। लेकिन होता क्या है कि जब आप एक्टिवेशन कराते हो उसकी, आप एक्टिवेशन करते हो, मैंने आई क्लाउड की एक्टिवेशन करी iPhone 6s की,
2000 रुपये में, लेकिन वो बंदे ने फ़ौरन एकदम ब्लॉक मार दिया। अब आप कुछ नहीं कर सकते, नंबर उसका ब्लॉक जा रहा, ऑफ जा रहा है, व्हाट्सएप पे उसने ब्लॉक कर रखा है, किसी और नंबर से बात करोगे तो उसको भी ब्लॉक कर देगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। होता है शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन अब हम समझदार हो चुके हैं। अब हम चाहे रूल बदल दिया, कोई भी हो सामने, चाहे आप हों या चाहे मेरे पास पुराने कस्टमर हो, पेमेंट के लिए पहले मैं कह देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है या जिसको मेरे को पता है कि उसकी पेमेंट मेरी अटकती नहीं है, तो ईज़िली हम काम कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई है, बाईपास और परमानेंट का आपका सॉल्यूशन हट गया है, आपके दिमाग से ये चीज़ निकल गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।